काशी अद्भुत है, काशी निराली है और काशी के कणकण में विराजे महादेव चमत्कारिक है। बाबा विश्वनाथ के शहर में केदारखंड में विराजे तिल भांडेश्वर महादेव की महिमा भी अपरंपार है। इस शिवलिंग का आकार हर साल एक तिल बढ़ता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार सतयुग के समय से ऐसा होता चला आ रहा है। इस महाशिवलिंग में 9 ग्रह और 27 नक्षत्र विराजमान हैं। यही वजह है कि सावन के महीने में इसका अभिषेक करने से हर तरह के ग्रहों की शांति होती है। पांडे हवेली इलाके में गलियों के मध्य स्थित यह मंदिर जमीन से करीब 80 फीट ऊपर है। कहा जाता है इस मंदिर में विराजे तिल भांडेश्वर महादेव की आकृति बेहद ही विशाल है। काशी के विद्वान पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि इस महाशिवलिंग पर जलाभिषेक से हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए सावन के महीने में यहां बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यह शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है। कथाओं के अनुसार ऋषि विभांडा इसी जगह पर तप करते थे। तप के दौरान वो तिल को घड़े में डालते थे। वही घड़ा जब जमीन पर गिरा तो घड़े के तिल से शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, इसलिए इनका नाम तिल भांडेश्वर महादेव पड़ा। काशी खंड पर आधारित पुस्तक काशी खंडोक्त में इसका विस्तृत वर्णन भी है। भांडेश्वर के विषय में इनकी महिमा का बखान बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि यह शिवलिंग जो है केदारखंड के अंतर्गत कर पड़ता है। केदारखंड के अंतर्गत पड़ने के कारण यह अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि केदारखंड में जो है भैरवी यातना नहीं भोगनी पड़ती है, इसलिए इस शिवलिंग का सबसे बड़ा महत्व है। दूसरा सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह जो है प्रत्येक जो है वर्ष जो है एक तिल जो है तिल तिल बढ़ते हैं, तो तिल तिल बढ़ने के कारण इनका नाम तिल भांडेश्वर नाम पड़ा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस शिवलिंग में सावन में अभिषेक करने पर पूजन करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस शिवलिंग में 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों का वास है। तो यदि किसी को ग्रह संबंधी समस्या हो या काल सर्प दोष संबंधी समस्या हो या नक्षत्र संबंधी कोई भी दोष हो तो उस दोष की निवृत्ति जो है इस शिवलिंग के पूजन से नष्ट हो जाती है। इस लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ यह मैं बतलाता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि विभांडा ऋषि जो थे इस जगह पर तप किया करते थे और वहाँ पर एक शिवलिंग बना करके नित्य ही जो है अपना जलाभिषेक करते थे और उस जलाभिषेक में तिल से अभिषेक करते थे। एक बार वह तिल जो है जमीन पर पूरी तरह से गिर गया। गिर जाने के वजह से वहीं पर स्वयंभू भगवान तिल भांडेश्वर प्रकट हो गए और प्रकट हो जाने से इनकी महिमा का उद्भाषित हो गई और यह स्वयंभू लिंग कहे जाए।